हेलो दोस्तों, आपने ऑसिलोस्कोप या सीआरओ में प्रोब कॉम्प या प्रोब कंपनसेशन जरूर देखा होगा। आज के इस वीडियो में प्रोब कंपनसेशन क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है और प्रोब कंपनसेशन कैसे करते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना दोस्तों। प्रोब कंपनसेशन क्या होता है? प्रोब कंपनसेशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी ऑसिलोस्कोप या डीएसओ के जो इनहेरेंट इनपुट कैपेसिटेंस इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए प्रोब कैपेसिटेंस को हम एडजस्ट करते हैं। दोस्तों पैसिव प्रोब में इनबिल्ट कंपनसेशन आरसी डिवाइडर नेटवर्क होता है। तो हमने बता दिया कि प्रोब कंपनसेशन क्या होता है। अब ये नेसेसरी क्यों है कि प्रोब को कंपनसेट करना पड़ेगा? दोस्तों जो हमारा पुअरली कंपनसेटेड प्रोब है उससे मेनली दो टाइप की हमें मेजरमेंट इन एक्यूरेसी देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा ऑसिलोस्कोप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रोब कॉम्प। आप देख सकते हैं ये प्रोब कॉम्प लिखा हुआ है, ये प्रोब कॉम्प लिखा। तो ये टर्मिनल पर हम जो प्रोब है हमारा ये वाला, इसका एक टर्मिनल यहाँ पर लगा देंगे और दूसरा वाला जो ग्राउंड टर्मिनल है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा कनेक्ट हो गया और ये इस तरह से यहाँ पर ये वेव फॉर्म आ गई है। तो दोस्तों जो हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट की जो इन इनकरेक्ट एम्पलीट्यूड अंडर कंपनसेटेड प्रोब में और ओवर कंपनसेटेड प्रोब में ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, अगर सबसे पहले तो इसमें हमें अंडर कंपनसेटेड एंड ओवर कंपनसेटेड में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि देखिए अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये अगर वेवफॉर्म ऐसी है तो इसका भी एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, और अगर ऐसी है तो भी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पीक टू पीक चेंज हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है एक, तो ये इसलिए हमारा प्रोब कंपनसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म जो है चेंज होने की वजह से जो राइज टाइम एंड फॉल्स टाइम, जो जनरली ये पल्स सिग्नल में देखने को मिलता है और फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर ये बढ़ता भी है, तो जो राइज टाइम है फॉल टाइम है वो ओवर कंपनसेटेड एंड अंडर कंपनसेटेड वेव फॉर्म में ये चेंज हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम कब कंपनसेट करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले जब हम कोई भी ऑसिलोस्कोप फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तब हम प्रोब कंपनसेशन करते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं हम, जब ये जो हमारा ये केबल है, जब ये केबल किसी दूसरे डीएसओ में ऑसिलोस्कोप में लगाते हैं तब हमें प्रोब कंपनसेशन की ज़रूरत होती है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग सभी ऑसिलोस्कोप में एक इनबिल्ट स्क्वायर वेव जनरेटर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टर्मिनल है ये वाला, इस टर्मिनल से स्क्वायर वेव जनरेट होती है। ये 1 किलोवाट्स का होता है और 2.5 वोल्ट पीक टू पीक, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2.5 वोल्ट का होता है पीक टू पीक। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको यहाँ लगाया तो ये स्क्वायर वेव आने लगी यहाँ पर, और अगर इसका हम मेजरमेंट देखेंगे तो दोस्तों इसकी देखिए फ्रिक्वेंसी 1 किलोवाट्स और इसका एम्पलीट्यूड आप यहाँ देख सकते हैं ये 2.45, ये अप्रॉक्स 2.5 वोल्ट का ही होता है। इस तरह से जो हमारा प्रोब है उसकी टिप को स्क्वायर वेव वाले टर्मिनल पर लगाते हैं यहाँ पर डेमो टू पर, और दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड पर हमने कनेक्ट कर दिया है, ये करना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से हम प्रोब को जो कैपेसिटेंस है उसको एडजस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अगर कोई भी हमारी प्रोब वेव फॉर्म इस टाइप की है तो ये ओवर कंपनसेटेड है, और अगर कोई इस टाइप की है तो ये अंडर कंपनसेटेड वेव फॉर्म है। तो हमें इसको एकदम परफेक्ट, ये हमारा करेक्ट देख सकते हैं आप, ये हमारा करेक्ट कंपनसेटेड प्रोब है। तो इस तरह से हम इसको कंपनसेट करते हैं। और दोस्तों अभी मैं आपको एक सर्किट भी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सर्किट में आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रोब का टिप है ये वाला, तो इसमें यहाँ पर एक आरसी सर्किट होता है और ये केबल है और ये प्रोब की बॉडी, जहाँ पर ये हमारा प्रोब पंप वाला ये जो कैपेसिटर है जिसको हम चेंज करते हैं, ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है, और ये यहाँ से हमारा इधर ऑसिलोस्कोप होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर इसके अंदर होता है, और ये एक रजिस्टर इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, तो ये रजिस्टर इसका जो है वो 1 मेगा ओम होता है और प्रोब में होता है 9 मेगा ओम। इसके बारे में दोस्तों हम किसी अलग दूसरे वीडियो में बताएंगे। आप देख सकते हैं प्रोब का जो इसका जो रजिस्टेंस होता है वो 9 मेगा ओम होता है, और इसमें जो कैपेसिटेंस होता है वो अप्रॉक्स 15 पिको फैरड के आसपास होता है। और हम आपको ऑसिलोस्कोप में भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर 1 मेगा ओम होता है ऑसिलोस्कोप में। आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर ही लिखा ना 1 मेगा ओम और ये 11 पिको फैरड, तो इनको एडजस्ट हम करते हैं। ये इसका 1 मेगा ओम है
और प्रोब का हमारा 9 मेगा ओम है, तो इस तरह से ये 10 मेगा ओम होता है। तो इस तरह से हम प्रोब को कंपनसेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।